हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का रचना ऑफिशियल ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो आप लोग कैसी हैं? आशा करते हैं आप सब लोग मस्त होंगे, चंगे होंगे, घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि सबसे पहले मेकअप में हमें क्या लगाना चाहिए, हमें क्या यूज करना है। फाउंडेशन यूज करना है, प्राइमर यूज करना है, मॉइस्चराइजर यूज करना है, आखिर यूज क्या किया जाता है, वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमें मेकअप में सबसे पहले क्या लगाना चाहिए। तो अगर आप सही वीडियो को क्लिक किए हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि पाउंड सबसे पहले हम मेकअप में क्या यूज करते हैं, क्या लगाना चाहिए, तो एकदम सही जगह आए हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी हमारे बिगनर्स हैं, जो नए यूट्यूबर्स हैं, जिन्हें नहीं पता है कि मेकअप में सबसे पहले क्या लगाना चाहिए, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, वही मैं आप लोग के साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि फाउंडेशन में सबसे पहले लगा सॉरी मेकअप में सबसे पहले लगाना क्या चाहिए। सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लें, उसके बाद अपने फेस को टोन कर ले। सारे प्रोडक्ट्स जो जो मैं बोल रही हूँ, उन सारे प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट करें, वहां से आप बाई कर सकती हैं। आप पहले अपने फेस को क्लीन करें, उसके बाद अपने फेस को टोन करें। टोन को स्किप करना चाहती हैं। टोनर क्या होता है? हमारे स्किन टोन को मिनिमाइज करता है, जो पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स, वो उनको मिनिमाइज करता है, ताकि हमारा जो स्किन लेवल है अच्छे से प्रेप हो जाए, हमारा फेस पूरा हाइड्रेट हो जाए। वही वही चीज होता है जिससे टोनिंग का यही प्रोसेस है। उसके बाद सीटीएम भी होता है, सीटीएम नॉर्मल भाषा में हम इसे सीटीएम बोलते हैं। फेस को क्लीन करें, टोन करें, मॉइस्चराइज करें। टोनिंग के बाद अपना फेस जो है उसको मॉइस्चराइज करें, ताकि हमारा जो फेस है मेकअप को बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रखे, जो अंदर से ना ही गर्मी से आपका जो स्किन काला पड़े, ना ही काला पड़े, और विंटर में लॉन्ग लास्टिंग, समर में भी लॉन्ग लास्टिंग आपका मेकअप रहे। मॉइस्चराइजर ताकि आपकी स्किन को बहुत ही हाइड्रेट रखता है, बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेस्ट प्रोसेस है। उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई करें कंसीलर या तो फाउंडेशन। वैसे तो मेकअप के हिसाब से कंसीलर पहले यूज करें, क्योंकि डार्क एरिया, डार्क सर्कल, क्रश लाइन, डार्क स्पॉट्स के लिए हमारा कंसीलर यूज होता है। तो उसके पहले कंसीलर लगाएं, उसके बाद ही फाउंडेशन का लेयर लगाएं, जिसको बहुत ही रियल, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है मेकअप का। अगर आप मेकअप प्रॉपर वे में कर रही हैं, तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, काला नहीं पड़ेगा, अंदर से इवन टोन होगा, ग्लो आएगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना। क्योंकि फर्स्ट ड्यूटी उनकी ब्यूटी है, ब्यूटी का ख्याल रखना हमारी ड्यूटी है। इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि लाइफ स्टाइल, फैशन, DIY, होम डेको, सारे वीडियो अपडेट करती रहती हूँ। हाँ, मैंने अपना एक ब्लॉग कंटेंट भी राइट किया है, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो बनाया है वेस्टीन के 5 बेनिफिट्स, वेस्टलिन के 5 उपाय, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस विंटर। वैसे मैंने कंटेंट राइट किया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, चेकआउट करें, रीड जरूर करें। अगर चाहते हैं कि वेस्टलिन के हैक्स लेके आऊं, वेस्टलिन कैसे यूज करते हैं, वेस्टलिन के बेनिफिट्स, तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा। मैं एक नया और टॉपिक लेके आऊंगी कि वेस्टलिन के हैक्स, वेस्टलिन यूज, वेस्टलिन क्या, बहुत सारे प्रोसेस। पहले ये मेकअप का लेयर कंप्लीट कर लेते हैं। मेकअप का यही प्रोसेस, अगर आप मेकअप का प्रोसेस एक प्रॉपर वे में कर रही हैं, नॉर्मली, एवं बहुत सारे मेकअप होते हैं, विंटर, समर एंड ग्लोई, पैची, डूई, बहुत सारे मेकअप होते हैं जिनके वीडियो मैं अपलोड करती रहती हूँ। चेकआउट करें, फॉलो करें और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहें। मेकअप में पता हो गया, सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना होता है, टोनिंग करना होता है, मॉइस्चराइज करना होता है, कंसीलर लगाना होता है। अगर ज़्यादा डार्क एरियाज हैं तो कलर करेक्टर यूज करते हैं, कंसीलर यूज करते हैं, फाउंडेशन यूज करते हैं, उसके बाद सेटिंग स्प्रे, बहुत सारे प्रोसेस हैं जो आप हमारी वीडियो में देख सकती हैं। तो आपको पता चल गया, जितने भी हमारे नए बिगनर्स हैं, जितने भी हमारे बिगनर्स हैं, उनको पता चल गया कि मेकअप का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या लगाना चाहिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे हर इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम अपना वीडियो यहाँ लास्ट करते हैं। बाय बाय।